पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा एक बार हो धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा। अपने हाथों को पवित्र आत्मा को धन्यवाद कीजिए। आपको उसका स्वागत नहीं, आपको उसे हाजिर जानना जरूरी है। हाजिर जानोगे उसकी महिमा को देखने का। आज दिल में एक अपनी इच्छा को तैयार, तेरे वचन को खोल प्रभु, पवित्र आत्मा तेरे चरणों पर हम बैठे हैं। तू परमेश्वर है, तू है सर्वज्ञ है प्रभु, तू शिक्षक है, तू दृष्टि से लगाकर अब तक हमारे रह रहा, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। हमें मनुष्य का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें की बातें ही नहीं चाहिए, हमें पवित्र आत्मा तेरे जुमरा कार्य हमारे दिलों में हम चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन, आज के दिन प्रभु तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद कर सकते, धन्यवाद करते प्रभु। देखिए एक बहुत बड़ी, मैं कहूं दिल की विडंबना है, दिल का, कि कई बार हम पवित्र आत्मा को सामर्थ 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 कहकर उसे एक एक वायु के समान या एक ऑब्जेक्ट के समान हम ट्रीट करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहते हैं, जिए आप ये विचारधारा छोड़ दीजिए। हम वचन सीखते सीखते आज चौथी रात में, और एक बात आपको मैं दिल से प्रभु को सिखाना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करना चाहते हैं, आज से ये लाइन बंद कर दीजिए। और आपको ये कहना है, पवित्र आत्मा आज ज्यादा लेना शुरू करें, समझ रहे हैं आप? आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर फिट करने का प्रयास न करें, उल्टा आत्मा से निवेदन करें, पवित्र आत्मा आपकी गहराई के अंदर मैं डूब जाना चाहता हूं, आपकी खूबसूरती के अंदर, आपके वचन शिक्षा की बातों डूब जाना चाहता हूं प्रभु। केवल 8-10 पॉइंट लिखकर, 2-3 आयत बोलकर प्रभु, मैं उधर गीत गाने वाला या प्रचार करने वाला या किताबी ज्ञान बढ़ाने वाला ही विश्वासी या सेवक नहीं, लेकिन आज शाम के समय हम कहना चाहते हैं, एक बार अपने दिल से पुकार कर कहिए, पवित्र आत्मा पर और भी कब्जा कर, जो जो खंड हमारे दिल के अंदर अभी भी खाली हैं, जो जो क्षेत्र अब भी हमने तेरे हाथ में नहीं सौंपे हैं, अब तक हमने सरेंडर नहीं किया, चाहे कुछ बातें होंगी, चाहे कुछ हालात होंगे, आज पवित्र आत्मा से कहिए, मैं आपको नहीं, आप मुझे कब्जा कर ले, टेक ओवर पवित्र आत्मा, मेरे चिंता मंडल, मेरे जीवन मंडल, मेरे व्यापार मंडल मंडल, जो कुछ मेरा है उसे आप ले लीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। इनफाइनाइट माइंड को फाइनाइट माइंड ग्रहण नहीं कर सकता, इसके विपरीत इनफाइनाइट माइंड के अंदर फाइनाइट माइंड विलीन हो सकता है। हालेलुया, समझ रहे? तो आप एक बार हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लॉर्ड टेक ओवर, ले प्रभु, ले हमें अपने आप के अंदर, हमें प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू। आप पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने का प्रयास न करें, आप जहां भी सुन रहे हैं आपके ऊपर आ चुका है हृदय, उसी पर आशीष है आपके ऊपर, इसलिए आप पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने का प्रयास आज रात के बाद से ना करें। आज रात के बाद से आपको कहना है, होली स्पिरिट यू हैव टोटल कंट्रोल, आई एम योर वेसल, मैं आपका जरिया हूं, मैं आपका बर्तन हूं, मैं खाली हूं, मैं भरना चाहता हूं, स्वामी आपकी इच्छा हो तो मेरे द्वारा आप कार्य करें। ऐसे कई गलत विचारधाराओं के कारण हम पवित्र आत्मा के बहाव को, पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य को इस पी के अंदर हम रोक बैठते, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं इसलिए पवित्र, चिल्ला रहे हैं या हम गा रहे हैं या हम मीटिंग आयोजित, या मैं मीटिंग चला रहा हूं
मारा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ अपनी हटा दो। और आज रात पूर्ण समर्पण से शुरू करेंगे अपन, आज रात संपूर्ण समर्पण से, क्यों पास्टर आनंद साहब, संपूर्ण समर्पण से, टोटल लॉर्ड हैव योर वे इन मी, मेरे आइडियाज, मेरे विचारधारा, मैं जो कुछ दिमाग में ले बैठी थी, बैठा था, फ्रेश रेवलेशन, फ्रेश ज्ञान, ताजा अभिषेक, ताजा अनुग्रह प्रभु तो हमको प्रदान करने जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 वी वेलकम एंड वी एक्नॉलेज यू होली स्पिरिट, आपको हम यहाँ हम धन्यवाद देते हैं, ये टीचिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपके हाथ में समर्पित है, यीशु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु में आपको धन्यवाद देते हैं, और पवित्र आत्मा आप यहाँ पर है, इसलिए हम धन्यवाद। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद हैं, प्रिय जनों, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों, कलीसियाई अगुओं, भाइयों, बहनों, जवानों, बच्चों, आप सब लोगों को मैं यीशु मसीह के प्रेमी नाम में बहुत बड़ी सलाम कहता हूँ और धन्यवाद देते हैं कि यह अवसर उसने हमको दिया है लॉकडाउन के अवसर के लिए, हमें धन्यवाद रहेंगे। मैंने कई लोगों को बात करके सुना, कहा कि सर प्रार्थना करिए कि लॉकडाउन और आगे बढ़ जाए, क्योंकि लॉकडाउन बंद हो गए तो हम बहुत कुछ सीखे और प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े, ऐसी गवाही बहुत कम लोग पहले देते थे, मगर लॉकडाउन के दो महीने या कुछ दिन जो हुए उसके अब जो एक फल ऐसा परिणाम आया कि लोग अपने मुंह परमेश्वर के अनुग्रह की बात कहते हैं, की बातें करते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु में आगे बढ़े, इससे बड़ी गवाही कौन हो सकती है। आज हम पवित्र आत्मा के फल के विषय में सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले पवित्र आत्मा को समझने के लिए हमें अनुग्रह चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। जैसे प्रभु यीशु अनुग्रह और सत्य से भरा हुआ था, वही अनुग्रह और वही सत्य का प्रकाशन पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे भीतर रहने के लिए पैराक्लेट अर्थात हमारे साथ रहने वाले मित्र के रूप में हमें भेजा है। ये जैसे यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 1:16 में कि उसकी बहुत याद अर्थात भरपूरी में से हमने अनुग्रह पाया, हमें प्रतिदिन हर क्षण अनुग्रह पर अनुग्रह पाना होगा। पवित्र आत्मा को समझने के लिए अनुग्रह पर अनुग्रह पाना होगा। आमें, आमें। अब पवित्र आत्मा कहेगा कि मुझे कौन सी किताब है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त लोगों ने लिखा है कि चार्ल्स पर्सन का देखना है, एडब्ल्यू टूजर का देखना, एंड्रू मुरे का देखना। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा कि कौन सी किताब कभी हमने देखी थी। पवित्र जनों के द्वारा लिखते हैं, हम ऐसे ही पढ़ते, पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शित करता है। आमीन। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने अपने जहन मान लेना है परमेश्वर के दास जो वचन की सेवा कर रहे हैं, मैं आपको अनुरोध करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे। और पौल तीमुथियुस 2 अध्याय के पहले पद, हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह सुनत हो जा। हालेलुया। अनुग्रह या कृपा जब बोलते हैं तो लोग उसको हल्की सी मानते हैं, मगर अनुग्रह का सिंहासन है, इसलिए अनुग्रह का राज्य है, अनुग्रह की सामर्थ है, अनुग्रह जो है उसमें दया है, अनुग्रह में हमें सहायता मिलती है, अनुग्रह के कारण हमें प्रकाशन मिलता है, पवित्र आत्मा के साथ साथ सर्वे सर्वा है, इसलिए हमें अनुग्रह पाना होगा। आज के बाद आप अपने प्रचार की शैली को भूल जाएंगे, मुझे मालूम है बहुत कुछ भूल गया। धन्यवाद। एक एक बार मुझे अनुग्रह चाहिए। यस। बाबा बाबा राठा राबा रामा। अनुग्रह का आत्मा, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए सब लोग, धन्यवाद। अनुग्रह का आत्मा, अनुग्रह का सिंहासन, सब लोग शको बाबा मुझे आज और अनुग्रह चाहिए। बोलिए बोलिए, परमेश्वर पिता मुझे और अनुग्रह चाहिए। बोलिए, विश्वास से मांगिए प्रभु से, परमेश्वर पिता और अनुग्रह चाहिए, क्योंकि अनुग्रह आत्मा के फल से जुड़ा है। और आगे हम बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रार्थना में रहिए। बहुत ही जरूरी और
विषय ही नहीं परंतु विशालतम महा हमने कुछ चंदों को चखने की कोशिश की है। आमेन। चार दिन में या 40 दिन में या 400 दिन में भी इस बात हम नहीं समझ पाएंगे। बाइबल कॉलेज में मैं 10 वर्ष से सिखा रहा हूँ, अब तक मैं ऐसा नहीं लगता है कि मैं सतह तक पहुंचा नीचे गहराई में। इसलिए हमें अनुग्रह का आत्मा चाहिए, हमें अनुग्रह चाहिए। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है, अपने विषय में कहने के लिए वो अनुग्रह को भेजता है। और पवित्र आत्मा स्वयं अपनी सामर्थ और क्षमता के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा सर्व सक्षम है, आत्मा कलिसिया का पृथ्वी का प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर सर्व सर्वा है, और वो सर्व सर्वा रहकर सर्व सक्षम का उसके पास है। इसलिए हमें क्या सीखना है, किस प्रकार सीखना है, कैसे समझना है, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। आमेन। पवित्र आत्मा के फल अनुग्रह के फल है। वो यदि अनुग्रह हम पर नहीं तो हम फल नहीं दे सकते, नहीं हो पाएंगे। फल देने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है प्रिय। हाँ हाँ। अब मनुष्य हम थे संसार में, अभी प्रभु के पास आए हैं, पवित्र आत्मा के फल हम नहीं दे पाएंगे। उसके लिए क्षमता चाहिए, पवित्र आत्मा की क्षमता चाहिए, और यह क्षमता स्वयं पवित्र आत्मा हमको दिया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसी समय परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा की क्षमता दी है, ताकि हम मसीह यीशु में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। हम हिंदी में फलों बहुवचन तो फलों को या फलों से या फलों में, परंतु अंग्रेजी में केवल फ्रूट। जब फ्रूट्स जो बहुवचन, उसका मतलब आम का पेड़ है और सेब का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, अलग अलग पेड़ों के जो फल इकट्ठे हो तो वो जो है वो बहुवचन होता है। मगर एक दरख्त के जो फल है उनको हमारी भाषा में बहुवचन कहते हैं, मगर अंग्रेजी में के अंदर केवल फ्रूट कहा गया। पवित्र आत्मा का केवल एक फल है, वो है प्रेम। आमेन। वापस बोलिए सर, वापस। पवित्र आत्मा का केवल एक मात्र फल है, वो है प्रेम। प्रेम, आगापे प्रेम। आगापे प्रेम, औरों का छने वाले भावना वाला प्रेम, औरों की भलाई और उन्नति के लिए अपने बलिदान करने वाला प्रेम, वो है अगापी प्रेम। यूनानी शास्त्र या यूनानी साहित्य में यह शब्द पहले था ही नहीं, पवित्र आत्मा ने यह जो है वो दिया। रैप्चर के लिए लोगों ने पवन आरोहण कहा, किसी ने हवा रोहण कहा, किसी ने बादल रोहण कहा। जब पास्टर साहब हमारे तोमस मैथ्यू साहब जब प्रकाशित वाक्य के विषय में लिखते थे और हम उसका भाषांतर करते थे, और भाई विल्सन जॉर्ज भी हमारे साथ थे, उन्होंने उनको पूछा पासा टेलीफोन करके, पासा एक विद्यार्थी भी थे, विल्सन भाई ये हमको कैसे हम कहेंगे ये रैप्चर को, तो विल्सन भाई ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा मेघारोहण। आमेन। और ये मेघारोहण आज भी हम कहते, पवित्र आत्मा ने दिया। हमारे ही अपने शब्दों के समूह से पवित्र आत्मा ने स्वयं अपनी सर्व क्षमता के कारण हमें दिया। वैसे यूनानी भाषा में ये जो शब्द आगापे शब्द है ही नहीं, क्योंकि आबा के आगापे का उद्भव स्थान या स्रोत स्वयं परमेश्वर है। क्षण भंगुर मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकेगा। यूनानी भाषा में माता पिता का प्रेम, एक बालक और माता का प्रेम, बालक और पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम और मित्र का प्रेम, इतने प्रेम को बढ़कर और कोई प्रेम था नहीं। इसलिए यूहन्ना ने अपने पहली पत्र में लिखा है कि अपने मित्र के लिए अपने जीवन का बलिदान करना, उससे अधिक कोई प्रेम नहीं, वह आगापे। आगापे प्रेम का मतलब है बलिदान, बलिदान युक्त प्रेम। यस यस। और हम परमेश्वर है, यशायाह की पुस्तक आप मेरे साथ खोलिए, हमारे लिए पढ़ेंगे 5वां अध्याय 1 और 2 पद से हम शुरू करेंगे। यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 2 आयतें हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी,
उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की लगाई, उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा, तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही निकली। आज कलिसिया में निकम में फल ज्यादा है। मैं जब सोच रहा था दोपहर को तो बहुत ही काफी समय तक आंखें बंद करके यहां परमेश्वर की उसके पुत्र के द्वारा खून के द्वारा खरीदी हुई कलिसिया का चित्रण हम देखते हैं। ये जो दाख बारी है वो परमेश्वर के इसराइल का घर है। आमीन। आत्मिक इसराइल आते हम परमेश्वर का घर है, परमेश्वर स्थान है, इसलिए हम दाखबारी है। दाखबारी एक पौधा नहीं होता है, कई पौधे होते हैं। दाखबारी मैंने देखी है, काफी बड़े दरख्त तक पहुंचता है, उसका बेल होती है। तो ये परमेश्वर सबसे एक बाड़ा बांधी हुई टेकरी पर, मगरी पर, एक स्थान पर बाड़ा बांधी हुई ऐसी दाखबारी लगाई, प्लांटेड स्थित। वो एक फलद्रुप्त फलदाई भूमि पर रखा गया, उसके आसपास बाड़ा बांधा। बाड़ा जो है वो उद्धार का अनुभव है। बाड़ा को शहर पना कहा गया है, शहर है उसको उद्धार का रूपक है। उसने ये पहले बाड़ा बांधा, उद्धार का अनुभव। उसके बाद उसने सारे पत्थरों को उठा के फेंक दिया, साफ किया। पत्थर जैसे उसने नरम नरम नम्रता से भरे हुए कोमल हृदय में दिया। आमीन, आमीन। बाद उसने चॉइसेस्ट माने अपनी मनपसंद सर्वोत्तम ऐसी दाखलता को लगाया। प्रभु यीशु मसीह अच्छी दाखलता है, कभी सीखेंगे हम, मगर यहाँ प्रत्येक विश्वासी दाखलता है। प्रत्येक विश्वासी दाखलता, ईश्वर की खास दाखलता। वचन 92:13 में लिखा है, परमेश्वर में जो लगाए गए हैं वे हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे, फलेंगे, फलवंत होंगे। परमेश्वर के खास दाख के दरख्त हम हैं। और उसके बाद वहां परमेश्वर ने और मन की बुरज बनाया। यशायाह 61:3 में आप देखें तो यशायाह 61:3 पढ़िए, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख, सॉरी भजन 61 का, भजन संहिता क्षमा करें 3, भजन संहिता 61:3, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ माने ऊंचा टावर, मीनार, ऊंचा मीनार, ऊंचा बुर्ज। परमेश्वर स्वयं है यहाँ। बुर्ज जो है वो परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर एक ऊंचे बुर्ज के समान खड़ा है। यस यस यस। परमेश्वर अपनी कलीसिया पर उसके उसका रख रखाव करता है, रक्षा करता है, उस पर अपनी दृष्टि करता है। yes. कि कोई कर उस पर। Amen. उसके बाद उसमें दाख कुंड है। परमेश्वर ने दाख कुंड भी बनाया। Amen. दाख कुंड क्या है? शारारारा। दाख कुंड जो है दाखो निकाल कर फसल के समय में ये कुंड में रखा जाता था, उसके ऊपर लोग गाते हुए उसको रौंदते थे। उनमें क्रूरता नहीं पाई जाती थी कि हम कुचल जल्दी खत्म करें और घर चले जाएं, परंतु उनमें आनंद और स्तुति का ध्वनि उनके मुंह से निकलता था। ये अजीब और गरीब रौंदने का नहीं था, परंतु केवल प्रिस माने दबाने का था। आमीन। परमेश्वर हमें नहीं है, परमेश्वर हमें कुचलता नहीं है, परमेश्वर हमारे पड़ाव लाता है। हालेलुया। कई परिस्थितियों का दबाव
क्लेश का दबाव Amen. और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर से उत्तम दाखरस को बाहर निकालता है Hallelujah. और सारे जो अंगूर है लाल लाल अंगूर ये अंगूर का अस्तित्व रहता नहीं है, केवल दाख जो निकलता है उसका स्थाई अस्तित्व रहता है। यह है कलीसिया की एकता, पवित्र आत्मा की यह प्रक्रिया है। और उसके बाद अब परमेश्वर ने चार बात, मैंने तो छह बात बोल दिया। परमेश्वर अपेक्षा कर रहा था मीठे फल मिलेंगे, मीठे अंगूर, परंतु उंगली अंगूर मिले। इतना सारा प्रभु वहां कहता है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया मेरी दाखलता के लिए, मेरी दाखबारी के लिए, परंतु जब मैं अच्छे फल चाहता था, स्वादिष्ट सुगंधित चाहता था, मुझे फल मिले। ये बहुत ही बड़ी वास्तविकता है कि हमारी कलीसिया में, हम लोगों में अभी भी जंगली फल है। पुराना मनुष्यत्व कहीं न कहीं कोने में बैठा है, जड़ से निकाल देते कभी प्रार्थना करके, उसके अंकुर निकलते हैं। परमेश्वर हमारे पास से फल की अपेक्षा करता है, प्रभु यीशु में बने रहने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में रहने के द्वारा, प्रभु के वचन में बने रहने के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा फल ला सकते हैं और फलदायी मन रस से भरे हुए ला सकते हैं। और फल लाना एक प्रक्रिया है। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को अनुग्रह या क्षमता प्रदान करता है जिसके फल स्वरूप प्रत्येक विश्वासी बनता है। Amen, 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 Amen. किसी के हाथ रखकर आप यदि गिर जाएंगे तो फलदायी नहीं होंगे, अच्छा है गिरना, परमेश्वर की एक सामर्थ हमको छुएगी। कोई खास प्रभु का दास घुटनों के बल पर गिरकर प्रार्थना करे तो फल नहीं आने वाले हैं, फल हमें देने पड़ेंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। और पवित्र आत्मा द होली स्पिरिट एनेबल्स अस, आत्मा हमको क्षमता प्रदान करता है, एक अनुग्रह माने अनुग्रह क्षमता है। परमेश्वर के अनुग्रह में दुर्बलता या कमजोरी नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह में सामर्थ्य है, परमेश्वर के अनुमता है, बल है। और क्षमता पवित्र आत्मा हमें क्षमता प्रदान करता है और हम परमेश्वर के कारण हम फल देते हैं। पौलुस यहां गलात्री में हम आ रहे हैं उसके पांचवें अध्याय में, यहां पौलुस शरीर के कामों के विषय में बात करता है और उसके बाद तुरंत आत्मा के विषय में बातें करता है। इसलिए गलातियों की पत्री को खोलकर आप रखें, कुछ समय के लिए वहां हम लगे रहने वाले हैं। 16वें अध्याय में कहा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो करोगे। के अनुसार चलने के लिए मुझे परमेश्वर का विशेष अनुग्रह चाहिए। रोमियो 8:13 में लिखा है, आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार देते हैं। आत्मा के अंदर जो आत्मा जो अनुग्रह लेके आता है आत्मिक युद्ध को जीतने की क्षमता है और हम उसके कारण शरीर के कामों को मार देते हैं। शरीर के फल के विरुद्ध में शरीर आत्मा पौलुस यहां नहीं कहता है, शरीर के काम। और जब शरीर की सूची पौलुस वहां लिखता है तो अंत में लिखता है से काम, उसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा की बात करने से पहले यदि हम शरीर के कामों की बात करें, पूरा कामों की सूची है, परंतु जब पौलुस कहता है उसके जैसे काम तो पवित्र तो शरीर के बहुत सारे काम है, बुरे काम, उनके विरुद्ध हमें पवित्र आत्मा के नौ फल नहीं
बहुत सारे फल चाहिए। अमें, अमें। बहुत सारे फल चाहिए। एक नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, आप लोग सब बने हैं, एक क्षण के लिए हम नेट कर रहे हैं, क्षमा करें, और आप लोग सब लाइन पर ही रहिएगा, प्रभु को धन्यवाद देते रहे एक क्षण के लिए। अमें। Praise God, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपके सामर्थ्य वचन के लिए, धन्यवाद, 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 पवित्र आत्मा में छू रहा है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ भाषा में प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ रिखा बाला शंतु नारियल खमर गडग शंतु नारियंत्री धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते आगे बढ़ेंगे हम, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार हम उपस्थित हो सके, इस उपकरण को मसीह के लहू मिलाते हैं, सारी अटकलें और बाधाएं दूर हो यीशु के नाम में, आमीन। शरीर के कामों को मारने के लिए पवित्र आत्मा के फल चाहिए। आमीन। पवित्र आत्मा जब शरीर के कामों को मारता है, उसका जो परिणाम आता है वो है फल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रियो, हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा के पास जाना होगा। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे भीतर, और उसको कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा तू कैसे चलता है हमें सिखा। आमीन। पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है वो जैसे वो चला वैसे वो चलता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह चलता है वैसे चलने की बात है। तो पवित्र आत्मा जो अनुग्रह का आत्मा है, उसको हमें पूछना होगा, एक अच्छा संबंध स्थापित करिए। अन्य भाषा अच्छी है, पवित्र आत्मा के वरदान कल सीखेंगे अच्छे हैं, पवित्र आत्मा के काम तो बहुत सारे हैं, सृष्टि में पवित्र आत्मा का कार्य है, उसके बाद विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य, कलीसिया में पवित्र आत्मा के कार्य, और संसार भर में वर्तमान में पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा के कार्य भी है और पवित्र आत्मा की सेवा भी है, ये दोनों भी अलग अलग, बहुत सारा, बहुत बड़ा विशाल बात है जो आजकल मैं सिखाऊं बैठकर। और हमें पवित्र आत्मा के पास प्रतिदिन ही नहीं, प्रतिपल जाना होगा। आमीन, आमीन। जब भी आवश्यकता हो तब विशेष अनुग्रह पाने के लिए और दया पाने के लिए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के पास अनुग्रह का आत्मा है, हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास पवित्र आत्मा के पास हमें बार 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 जाना होगा। हालेलुया। और उससे सीखना होगा कि वो कैसे चला, उसके चलने के तरीके का जो परिणाम है वो है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा के फल हमें अब सीखना है। आमीन, आमीन। पौलुस जब शरीर के कामों की बात करता है, उसके बाद तुरंत उसके विरुद्ध आत्मा के फलों के विषय में या फल के विषय में कहता है। आत्मा का एकमात्र फल है, वो है पवित्र आत्मा।
रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम में उंडेल दिया गया है। हालेलुया। सबसे पहले जब हम उद्धार पाते हैं तो पहला उसका प्रमाण यह है, नाश होने वाले लोगों के लिए और साथ ही विश्वासियों के लिए हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम आता है। आमीन। छोटी सी दया, छोटी सी कृपा दृष्टि या सहानुभूति नहीं, ये सहानुभूति की बात नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। परंतु ये आगापे प्रेम की बात है। आमीन। औरों को प्रभु में लाने के लिए मैं कुछ भी हर संभव कोशिश करूंगा। कलीसियाई एकता में जुट जाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ऐसी भावना वो है पवित्र आत्मा हम में उंडेल दिया गया है और उसके बाद हमारे चरित्र के क्षेत्र में, स्वभाव के क्षेत्र में हम परिणाम अर्थात फल देखते हैं। yes, yes. इसलिए फल को हम कहेंगे पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के परिणाम। आमीन, आमीन। क्योंकि फल जब तक आप कहते रहेंगे, आप आम की ओर देखेंगे, सेब की ओर देखेंगे, अमरूद की ओर देखेंगे, बहुत बढ़िया, तो मालूम नहीं प्यास की ओर क्या क्या देखते रहेंगे। वहां से नजर हटाइए, पवित्र आत्मा की ओर ध्यान हम केंद्रित करेंगे। आमीन, आमीन। Fruit of the Holy Spirit is the single-minded lifestyle controlled by the Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्मा के फल एक मन एक चित अपने आप में होकर हम पवित्र आत्मा के पूरे पूरे ताबे में, अधिकार में, वश में हो जाते हैं। हाँ, हाँ. तब हमारी लाइफस्टाइल बदल जाती है। हालेलुया। और लाइफस्टाइल बदल जाने के लिए जो परिणाम एक के बाद एक आते हैं वो है पवित्र आत्मा के पास। आमीन। इसलिए शायद वो नव नहीं होंगे, नव नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, कई फल होंगे जिसको पवित्र आत्मा ही हमें समझाएगा। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट टुगेदर इज कॉल्ड द स्पिरिट फिल कैरेक्टर। पवित्र आत्मा के जो फल है एक साथ सामूहिक रूप में पवित्र आत्मा से भरा हुआ चरित्र कहा जा सकता है। Amen. कहा Amen. जा सकता है। यस यस। स्पिरिट कंट्रोल कैरेक्टर, ब्यूटीफुल, ऐसा चरित्र जिसका नियंत्रण पवित्र आत्मा स्वयं करता है। हालेलुया। हम अपनी मेहनत से, जात मेहनत से परिश्रम करके चरित्र का गठन या निर्माण नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा से ज्यादा हम पर हो तब जाकर हम पवित्र आत्मा की सहायता से ऐसी जीवन शैली को yes. हमारे अंदर कार्यरत कर सकते हैं। द कैरेक्टर कंप्लीटली गवर्न्ड बाय द होली स्पिरिट। ब्यूटीफुल। ऐसा चरित्र जिसका पूरा पूरा नियंत्रण और संचालन केवल पवित्र आत्मा करता है। इसलिए पवित्र आत्मा का फल प्रेम है और जैसे संतरे को हम तोड़ते हैं और उसकी अलग अलग पेशियां निकलती है पहलू, ऐसे पवित्र आत्मा के फल की जो बात हो रही है वो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम हमारे अंदर उंडेल गया है, उंडेला गया है, वो प्रेम के पहलू। पवित्र आत्मा का उद्धार पाने वालों के जीवन में जो बुनियादी लक्षण है वो है परमेश्वर का प्रेम। Amen. परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाता है और पवित्र आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, अन्य भाषा का आत्मा, नबुवत का आत्मा, वो क्या क्या कुछ लोग बोल के भूल गए कि पवित्र आत्मा पवित्रता का आत्मा है। yes, yes, yes. पवित्र आत्मा स्वयं आत्मा है, पवित्र है, वो पवित्रता का आत्मा है। इसलिए जब पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, नया जन्म पाते हैं, तब पवित्र आत्मा हम में पवित्र होने की क्षमता और इच्छा को पृथक करता है। हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प बदल जाएंगे। yes. हमारे भीतर एक धुन होगी, पैदा होगी कि मैं पवित्र बनना चाहता हूं। मैं ईश्वरीय त्रियकता का यह तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा कहा गया है।
माने ईश्वर की पवित्रता उसके अंदर भर भरी हुई है, संपूर्णता में है। इसलिए प्रेम को जब हम समझेंगे तब पवित्र आत्मा की व्यवस्था को समझेंगे। हालेलुया। प्रेम को जब समझेंगे तब अनुग्रह को समझेंगे, अनुग्रह को जब समझेंगे तब अनुग्रह किस प्रकार कार्य करता है वो समझेंगे, किस प्रकार कार्य करता है ऐसा समझेंगे, तब पवित्र आत्मा किस प्रकार चलायमान होता है वो हम समझ सकते। इसलिए पवित्र आत्मा की व्यवस्था को हम समझेंगे, पवित्र आत्मा की प्रणाली को हम समझ जाएंगे और हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। हालेलुया। सरल भाषा में कहे तो केवल पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की चाहत हम में हमेशा स्थापित हो जाएगी। हालेलुया। चाहत हमारे अंदर स्थापित हो जाएगी, चाहत। एक बार हमारे यहाँ बाइबल कॉलेज के शिक्षक थे, उनको मैं गुजरात में ले गया, नितिन सर बहुत अच्छे शिक्षक थे, हिंदी बोलते थे। हम पास्टर मिराजी भाई के वहां गए थे, उनको मैं इंग्लिश मिराजी कहते। मिराजी भाई हमेशा बहुत ही अच्छा खाना बनाकर खिलाते थे, अब नहीं रहे, प्रभु के पास चले गए। तो जब अच्छा खाना खिला बना, क्या बनाया मुझे मत पूछना, नहीं तो आपको भी मुंह में पानी आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने खाया और खाने के बाद जब हम पानी पी रहे थे, हाथ धो रहे थे, तो नितिन सर ने एक बात कही, मिराजी भाई बहुत अच्छा खाना, पेट भर गया परंतु मन नहीं भरा। ये भावना हमारे अंदर जब आती है, आत्मा के फल, आत्मा के फल, इतना नहीं, मैंने थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी, पूरा पूरा डूबना है और बार बार डूबना है। यस, ये चाहत है। आमें। पेट तो भर गया है मगर मन नहीं भरा, मन ऐसा करता है कि थोड़ा सा और चख लूं। ये है पवित्र आत्मा की व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। आमें, आमें। तब पुराने नियम के अनुसार की मूसा की जो व्यवस्था है उसमें परमेश्वर के धार्मिकता का जो मापदंड है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में स्थापित होकर कार्य करने लगता है। Amen. उसको कहते हैं पवित्र आत्मा की व्यवस्था। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का एकमात्र फल है प्रेम, 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 आगापे प्रेम, केयरिंग और सीकिंग हाईएस्ट गुड फॉर अदर्स, औरों की सुधि लेने का स्वभाव, औरों की सर्वोच्च भलाई को चाहना और ढूंढना और उसकी दिशा में कुछ करने का स्वभाव, बलिदान देने के लिए, औरों के लिए बलिदान देने के लिए हम सतर्क हो जाएं, ऐसा स्वभाव, उसके अंदर हमारा अपना कोई फायदा या स्वार्थ हम देखते नहीं है, ऐसा स्वभाव। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय घर जाकर जरूर पढ़ना, उसमें प्रेम के विषय में लिखा है। समय की पाबंदी के कारण उसमें हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है उसके 8 पहलुओं को देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बात है आनंद, उसके लिए आप गलातियों की पत्री को निकाले 5वां अध्याय और उसमें पवित्र आत्मा का फल, गलातियों की लिखी हुई पत्री 5:22 आयत पर आत्मा का फल प्रेम और उसके आनंद, आनंद, आनंद। आत्मा का फल प्रेम है, उसका पहला पहलू या पहली छोटी वो है आनंद, आनंद, जॉय। यूनानी भाषा में उसको खारा कहा गया, खारा, खारा मीठा, मीठा है मगर यहाँ खारा लिखा है, खारा, खारा। यस, फीलिंग ऑफ ग्लैडनेस बेस्ड ऑन द लव, ग्रेस, ब्लेसिंग्स एंड प्रॉमिसेस एंड नियरनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की निकटता पर जो आधारित है, ऐसी प्रसन्नता। बहुत बढ़िया, काफी मशक्कत करनी पड़ी समझने के लिए। शाबाश, पवित्र आत्मा ने ये भाषा मुझे दी। आमीन। और मैं जब लिख रहा था मेरे आंख में से बहुत आंसू निकल गए। थैंक यू। आनंद, वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द जॉय। थोड़ा सा जोक बोले, एक दूसरों के हाथ में हाथ मिलाकर ताली बजाई, की करके चले गए, उसको हम कुछ आनंद, या अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाया, बिरयानी खाई, कुछ अच्छा खाया, पराठा खाया और थोड़े समय के लिए हम मुस्कुराए और उसके बाद एक घंटे के बाद हम उदास रहने वाले। मगर ये जो आनंद है ना,
वो सर्वकालीन आनंद। हालेलुया। ये आनंद दुख में भी आनंद है। ग्लोरी। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के 52वें पद में लिखा है, बहुत सारा क्लेश था, सताव हुआ था, लहूलुहान हो गए थे वे लोग लुकोनिया में, परंतु वहां लिखा है शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। प्रेरितों के काम 13:52 और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। ऐसा आनंद है जो पवित्र आत्मा के साथ लगा हुआ है, चिपका हुआ है। हम जो आनंद की बात करते हैं संसार का, वहां पवित्र आत्मा की शून्यता है। यह पवित्र आत्मा आंशिक कहीं है कोने में। हमें अनुग्रह को समझना होगा। yes. परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा के कारण यह आनंद हमको मिलता है जो संसार के पास नहीं है। संसार के पास नहीं है, बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की निकटता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का अखंड वचन और उसका खुलासा, उसका प्रगटीकरण और परमेश्वर की निकटता, उसके पर आधारित जो प्रसन्नता या खुशी है हम में, आनंद वो है आनंद। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है उसका प्रथम पहलू। बहुत सारे वचन हम पढ़ेंगे नहीं, मगर उसमें एक पढ़ेंगे, भजन 119 का 16 पढ़ेंगे। यदि आपको लिखना तो दूसरा कुरिन्थियों 6:10 लिखिए, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 लिखिए, पहला पत्रस 1:8 लिखिए, और प्रेरितों के काम 13:52 अभी भैया ने पढ़ा, 119 का 16 जरा देख ले हम। भजन 119 उसके 16वीं आए, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। सुख, यहाँ आनंद को सुख कहा है। सुख के लिए आदमी क्या कुछ करता है, मगर फिर भी आदमी तो दुखी। आदमी, किसी ने मुझे बोला, एक ब्राह्मण भाई ने, कि मानव है ना, वो औरों के सुखों को देखकर जितना दुखी है ना, इतना अपने दुखों से दुखी नहीं। माने मनुष्य आनंद को समझता ही नहीं। आमेन। ये तो आनंद है जो सुखदाई आनंद है। आमेन। और जो ये जो सुख है चिरस्थाई सुख है। यस। क्योंकि वो पवित्र आत्मा के फल का एक पहलू है। दूसरा है शांति। शांति उसके अंदर लिखा है, शांति। शांति, इरिने, E-I-R-E-N-E, इरिने, rest of heart and mind, हृदय और मन में चैन का अनुभव करना। नॉलेज दैट ऑल इज वेल बिटवीन मी एंड द हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता और मेरे बीच में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, उसका ज्ञान, यह है शांति। स्वर्गीय पिता के साथ और मेरे दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, हमारा संबंध ठीक है। आमेन। इसलिए जो अनुभूति हम हृदय में करते हैं वो है आनंद। आमेन। Resulting in the freedom from turmoil and anxiety. जिसको हम कहें माथा फोड़िया, बहुत सारी चिंताएं, माथा फोड़िया हमारे संघर्ष की परिस्थिति, और जैसे इधर से इधर हम हवा में झोले खा रहे थे ऐसी अवस्था जो है, उससे हम आजाद हो जाते हैं। Amen. तब हमें शांति मिलती है। रोमियो 15:33 हम देखेंगे, रोमियो की पत्री 15:33, शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे, आमीन। परमेश्वर शांति का दाता परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ रहे, वो है शांति। फिलिपियों 4:7 में लिखा है, जरा पढ़ना सर। फिलिपी 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति मनुष्य की समझ शक्ति के बाहर है। मनुष्य जिस शांति की बात करता है, ये शांति पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाली शांति से कोसों दूर है। हालेलुया। बहुत फर्क है उसमें। घर में घर का नाम, घर में शांति बैन है, बाहर शांति भवन लिखा है, और घर में झगड़े होते हैं, इसलिए लोग समझ ही नहीं रहे हैं
की शांति क्या है, ये तो परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब में जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अपने बोझ को परमेश्वर को सौंप दूंगा, जैसे जैसे मैं प्रार्थना करूंगा धन्यवाद के साथ, वैसे वैसे परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की हर प्रकार की समझ शक्ति के बाहर है वो मेरे हृदय में राज्य करेगी और मेरे हृदय को संभालेगी। ये है परमेश्वर की शांति। तीसरा है, तीसरा कौन सा लिखा है सर आपको, हमारे प्रेम दया शांति धीरज, धीरज 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 को लॉन्ग सफरिंग कहा गया है, माने सहनशीलता। धीरज मैक्रोथुमिया धीरज। हमारे मेवाड़ी भाषा में एक बहुत अच्छा शब्द है, घनी खम्मा बापू ने, खम्मा माने खम जाना, रुक जाना, सहन कर लेना, धीरज। आमेन। बींग स्लो टू एंगर, गुस्सा करने में क्रोध करने में बिल्कुल धीमा, बिल्कुल धीमा। याकूब भी एक जगह लिखता है, तुम्हें से प्रत्येक क्रोध करने में धीमा और सुनने में बहुत ही संवेदनशील बने। क्रोध करने में धीमा, आसानी से क्रोध न आना। जब हम पवित्र आत्मा के जीवन को समझते हमारा क्रोध समान हो जाता है। आमेन। क्रोध हमें बुरा लगने लगता है, बिल्कुल, और छोटा सा क्रोध हो जाए तो हमें कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती है। सामने वाले को जिसके पर थोड़े हम क्रोधित हुए, यदि हम सॉरी बोले, अंग्रेजों ने सिखाई है वो छोटी सी, तो भी हमें संतुष्टि नहीं होती है कि हमारा भाई जो है वो अभी ठीक हो गया। हमें बार बार हमारा हृदय हमको खलता है, हमें कोसता रहता है कि मैंने ऐसा क्रोध किया। क्रोध में धीमा होने का जो स्वभाव है वो है धीरज। चौथी बात, जेंटलनेस, जेंटलनेस कृपा, कृपा, कृपा को दयालुता भी कहा गया है, दया करने का स्वभाव, दया करने का चरित्र, क्रिस्तोतीस यूनानी भाषा में, not wanting to hurt anybody, बहुत बढ़िया, ऐसा स्वभाव जिसमें किसी को ठेस खिलाने की इच्छा हमें नहीं है। मेरे कारण किसी को ठोकर लगे ऐसी सतर्कता मेरे अंदर आ जाती है। यह है मेरे जीवन में कृपा। यहां कृपा अनुग्रह नहीं है, यहां कृपा को कहेंगे दयालुता। दयालुता, यस, दयालुता अच्छा है, दया करने का स्वभाव। मुझे गलत बात करना, गलत रूप में किसी को ठोकर नहीं खिलाना है, नॉट वॉन्टिंग टू कॉज पेन टू एनीबडी। मेरे कहने के कारण, मेरे व्यवहार के कारण किसी के भीतर पीड़ा न होनी चाहिए, ऐसा जो स्वभाव है। इफिसियों 4:32 पढ़ेंगे, इफिसियों को लिखी हुई पत्री 4 अध्याय उसकी 32 आयत, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कृपालु, 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 बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये कृपा जो है मनुष्य की कृपा, परमेश्वर की नहीं है, मगर पवित्र आत्मा के फलों की बात है। किसी को ठोकर न खिलाने की भावना हमारे अंदर कुट कुट कर बढ़ रही होनी चाहिए, पवित्र आत्मा से होता है। मेरे कारण और किसी को दुख न हो, आमेन, मन दुख न हो, यस, किसी का दिल न दुखे, मन न दुखे, ऐसी एक भावना मेरे अंदर आवे। हालेलुया। वो है कुलुसियों 3:12 में भी ऐसा लिखा है, पहला पत्रस 2:3 में भी लिखा है, आप ज्ञानी लोग लिख सकते हैं, कुलुसियों 3:12 पढ़िए सर। कुलुसियों को लिखी हुई पत्री 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, ऐसा लिखा है। धारण करना है हमको, और धारण करने की क्षमता भी तो पवित्र आत्मा की ओर से आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो हम सिखाते हैं ना, वो ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, ये नहीं है।
जो कुछ है उसके लिए क्षमता और अनुग्रह केवल पवित्र आत्मा दे सकता है। आमीन। हमें पवित्र आत्मा के अभिन्न अंग बनना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा को हम अभिन्न मानेंगे तब इन बातों को हम समझेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पांचवी बात है गुडनेस, भलाई, अगाथो सुने, जिल फॉर ट्रुथ एंड राइटियसनेस, सत्य और धार्मिकता के लिए एक लगन। हालेलुया। अपने भीतर सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और धार्मिकता होनी चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता का नापदंड हमारे भीतर स्थापित होना वो है धार्मिकता। यस। ये हमारे अंदर हो, उसके लिए हमारी लगन हो, हम उत्साहित हो उसके लिए, ये है भलाई। हेटेड ऑफ यूल, बुराई से घृणा करना, जिसके कारण हमारे अंदर ये दयालुता या कृपा आती है। Yes. कृपालुता आती है। मत्ती रचित सुसमाचार में 21वां अध्याय 12-13 जरा देखिए सर। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसकी 12-13 आयत। मत्ती 21:12-13 इस प्रकार लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों की पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौके उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की ओह बनाते हो। किसी ने मुझे कहा कि सर प्रभु यीशु मसीह खाली 32-33 साल का था, ये जो गया और उसका जो ब्रूसली से भी पावरफुल होगा हो और क्या, मगर यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया है। यहाँ जो मायालुता या कृपालुता है उसमें सुधार करने का एक स्वभाव है, बहुत बड़े सुधार लाने का स्वभाव है, मगर उसमें पढ़ना जब उसमें बहुत लंबा है ओके उसमें क्रोध की शून्यता है, क्रोध विहीनता, किसी सुधार को लाने के लिए गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। यस। बिना गुस्सा किए, बिना खिसियाए यदि हम सुधार लाते हैं, उसका मतलब कि हमारे पास प्रेम का एक पहलू है जो है कृपालु होना। आमीन। और दयालुता हमारे अंदर होना। छठवीं बात विश्वास। विश्वास का फल भी है। yes, और विश्वास का वरदान भी है। एक ही है जो दोनों में पाए जाते हैं, वरदानों में और फल में। From an unwavering loyalty to a person to whom the believer is united by promise, commitment, trust and honesty. एक विश्वास या मैं किसी वादा किसी को किया हो, वचन दिया हो, वचनबद्ध में हुआ हूं, उसके प्रति मैं दृढ़ निश्चित रहूं, दृढ़ निश्चय रहूं, संकल्पबद्ध रहूं, और उसमें से बिल्कुल मैं हिल न जाऊं, टल न जाऊं, चलित न हो जाऊं, ऐसा स्वभाव वो है विश्वास। यहां माने और लोग हमें भरोसामंद समझे कि भाई उसको अपने सौंपा मगर कोई भरोसा नहीं है। भरोसेमंद बनना और लोग हम पर भरोसा कर सकें, हमेशा किसी साथ वचनबद्ध हुआ हो, उसके प्रति भरोसेमंद, वफादार और समर्पित रहें। मत्ती रचित सुसमाचार 23:23 हम देखेंगे। मत्ती 23:23 मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 23:23 हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवां अंश तो देते हो, तो तुमने व्यवस्थित गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। ये उनका बाहरी विश्वास था, लोगों को दिखाना चाहते अपना भक्ति भाव, मगर भीतर में परमेश्वर के प्रति जो वफादारी, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति, क्योंकि वे लोग तो जो थे उसके प्रति जो भरोसा पात्र उनको बनना था वे नहीं थे। तो विश्वास है भरोसा पात्र बनना। सातवीं बात वो है दीनता।
नम्रता और दीनता अलग अलग है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:29 में, मैं मन में दीन और नम्र हूं। दीनता नम्रता की पराकाष्ठा है। द लास्ट एक्सटेंट ऑफ ह्यूमिलिटी इज मीकनेस। आमेन। नम्रता रिस्ट्रेन कपल्ड विद स्ट्रेंथ एंड करेज। हिम्मत भी हो और बल भी हो, Amen. मगर उसके साथ साथ हम उसको ताबे में अपने आप को अपनी भावना को रख सकें, वो है दिन का। अधिकार भी है, बल भी है, सामर्थ्य भी है, मगर फिर भी उसका गलत उपयोग हम ना करें। उपयोग करने से पहले हम कहेंगे कि 100 बार सोचें और हम शांत रहें, वो है दीनता। जब गुस्सा करना हो तब उस मात्रा के जितना गुस्सा करना और उसके बाद नम्रता पूर्वक अधीन हो जाना, यह है दीनता। दूसरा तीमुथियुस 2:25 हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस लिखी हुई पत्री 2 अध्याय उसकी 25 आयत, वो विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो उसके पास अधिकार है, वो कलीसिया अगुआ है, प्रभु ने उसको अधिकार दिया, कलीसिया की व्यवस्था ने उसको अधिकार दिया है, मगर वो नम्रता से समझाता है, उसके अंदर क्रोध नहीं है। थोड़ा सा क्रोध शायद कर सकता है, मगर वो अपने आप को बिल्कुल वश में लाता है, पवित्र आत्मा के वश में। यह है दीनता। अपना अधिकार नहीं जताता है कि मुझे अधिकार मिला है, अपने अधिकार को जानते हुए भी बड़ी नम्रता से वो उनको समझाता है। Amen, amen. अमेरिका में अभी जो हुल्लड़ हुआ मैंने देखा कल, पुलिस वाले घुटनों के बल पर बैठकर लोगों से क्षमा मांगते हैं कि हमारे किसी भाई ने गलती की है। उनके पास अधिकार है। ट्रंप साहब ने तो बोला कि मैं लश्कर भेज रहा हूं, तो उन्होंने किसी ने बोला कि भाई अपना मुंह जरा बंद रखिए, हम लोग यहाँ फंस जाएंगे। ये है दीनता। उनके पास बंदूक है, गन है, गन के साथ वो लोग, रविश कुमार कह रहे थे कि गन के साथ ये लोग घुटनों के बल पर गिर गए, हमारे पुलिस वाले ऐसा नहीं करेंगे, मगर वो ऐसा किया, वो है दीनता। हालेलुया। अधिकार है, मगर यदि मैं अधिकार की जगह पर मैं और नम्र बन जाऊं, नम्र दीनता माने और नम्र बनना, बहुत बढ़िया, अधिक नम्रता को और बढ़ाना, ये दीनता में बन जाऊंगा तो इन लोगों का क्रोध शमन हो जाएगा। हालेलुया। उनमें से 100 में से 10 लोग यदि देख लें कि देखिए पुलिस वाले इतने बड़े जोरावर कद्दावर लोग, मैं तो पुलिस वालों के साथ मैंने न्यूयॉर्क के अंदर फोटो लिया तो उनके कमर तक पहुंचा मैं, मेरे पास अभी भी फोटो है, हंसी आती। ऐसे लोग यदि घुटनों के बल पर गिर जाए, ये है दीनता। हमारे पास दीनता होनी चाहिए प्रियो, और ये पवित्र आत्मा के प्रेम रूपी फल का एक सातवां पहलू और आठवां पहलू। एक और आयत पढ़े सर उसकी, पहला पत्रस 3:15। हाँ प्लीज, पहला पत्रस 3:15 उसकी 15 आयत मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा रहो, पर नम्रता और भय के साथ। नम्रता और भय, उसका मिश्रण है दीनता। बहुत बढ़िया, नम्रता और परमेश्वर का भय, क्योंकि मैं अपने अधिकार को अभी उपयोग में लाऊंगा, यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो मेरा जो अधिकार है उसको जरूरत से ज्यादा कुछ एक कदम आगे बढ़ के मैं उपयोग कर सकता हूँ। अगर यदि परमेश्वर का भय और आदर मेरे भीतर है तो मेरे अधिकार को मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के नापदंड पर, पवित्रता के नापदंड पर, धार्मिकता के नापदंड पर मैं उपयोग करूंगा। ये है दीनता। मैन, व्हाट अ वंडरफुल। आखिरी बात, आठवीं बात हम देखेंगे। आठवीं बात है संयम, सेल्फ कंट्रोल। मैन, इक्रेतिया, अपने आप को वश में लाना, टू कंट्रोल अवर सेल्फ, मास्टरिंग अवर ओन डिजायर्स एंड पैशंस, अपनी अभिलाषाओं
और मर्जियों पर काबू करना, अपनी इच्छाओं पर काबू करना, अपनी अभिलाषाओं पर काबू करना, खास करके वैवाहिक जीवन में जो विश्वास योग्यता है एक दूसरे के प्रति, विशेषकर निजी जीवन में, निजी व्यवहार में, वो है संयम। और पहला तिमुथियुस दो, दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं परंतु प्रेम, परंतु हमें उसने प्रेम का आत्मा, सामर्थ का आत्मा और संयम का आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा संयम का आत्मा है। हालेलुया। संयम बहुत बड़ी बात है। वैवाहिक जीवन में संयम बहुत बड़ी अनिवार्य, उसके बिना चलेगा ही नहीं ऐसी बात है। अपने इच्छाओं को अपने वश में रखना, पहला कुरिन्थियों 9:26-27 में पौलुस कहता है, 26-27 पढ़ना सर, पहला कुरिन्थियों को लिखे हुए पत्री 9 अध्याय उसकी 26-27 में पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता वो लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता खूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरू। सेवा में सेवकों के लिए और सब विश्वासियों के लिए संयम अनिवार्य है। यदि मैं अपने आप को वश में नहीं लाऊंगा, अपने भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को वश में नहीं करूंगा, एक आत्मिक व्यायाम करते हुए, आत्मिक योगा करते हुए, तो मैं औरों के सामने सुसमाचार प्रचार करने के बाद भी मैं शायद निकम्मा ठहरूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे संयम चाहिए और संयम का आत्मा, वो पवित्र आत्मा का एक चरित्र भी है। यस। इसलिए मैंने कहा जब हम पवित्र आत्मा की व्यवस्था में ढल जाते हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तब हम जो परिणाम लाते हैं वो पवित्र आत्मा के फल है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे प्रियों, और हमें अनुग्रह का और नया प्रकाशन और समझ हमें मिले कि हम पवित्र आत्मा के फल को लाने वाले फलवंत बने। आमीन आमीन। तो आज रात और एक नई बात शायद आपने सीखी होगी कि आत्मा का फल प्रेम, और उसके फिर आयाम मैं आपके लिए एक बार और पढ़ दूं, प्रेम आत्मा का फल है, वही जड़ है, वही नींव है, और उसमें से उद्भव होते हैं बाकी जो आज रात को आपने सीखा, जिसमें आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अब देखिए सवाल यहां पर क्या है, मुद्दा क्या है मालूम, एक आम विश्वासी वरदान को पहले चाहता है, फल को नहीं चाहता, क्योंकि वरदान बाहर दिखता है, फल बाहर नहीं दिखता। लेकिन आपको और मेरे को ये सीखने की जरूरत है, और इस क्लास के अंदर अब तक यूजुअली क्या होता है, पवित्र आत्मा बोलते हैं सब अन्य भाषा या सामर्थ्य या अनॉइंटिंग या फायर या गिरना या छटपटाना, ये सारी बातों की ओर ध्यान देते हैं। लेकिन आपको सीखने की जरूरत है और हमें भी सीखने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा के कार्य का एक फाउंडेशन है, एक तरीका है, और सीधा फायर, टच, फॉल, स्पीक, इतना ही नहीं, वो सब होने के लिए एक बहुत बड़े प्रोसेस की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग को रिन्यू होने की जरूरत है, लाइफस्टाइल को रिन्यू होने की जरूरत है। इसलिए अगर वरदान कैपेसिटी या कैपेबिलिटी पर कॉन्सेंट्रेट करता है तो फल कैरेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट करता है। वरदान बाहर दिखेंगे, फल अंदर प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक स्वभाव है। और आपने आज सुना खूबसूरत तरीके से, प्रभु के दास ने आपको बताया कि आत्मा का फल प्रभु यीशु मसीह का चरित्र मुझ में, पवित्र आत्मा द्वारा मुझ में एक अद्भुत चरित्र उत्पन्न होना ही आत्मा का फल है। इतने आयाम प्रेम के अगर एक व्यक्ति के अंदर हो तो वो तो सचमुच सचमुच पवित्र आत्मा नियंत्रित ही हो सकते हैं। अब इसकी पराकाष्ठा आप में नहीं होगी,
इसकी इसकी एक्सट्रीमिटी आप में नहीं होगी, पूर्णता नहीं होगी, लेकिन आप आज रात को एक इच्छा कर सकते हैं कि प्रभु मेरा स्वभाव तुझे प्रसन्न करने वाला होने पाए। और जब मेरा स्वभाव पवित्र, और दूसरी बात ये भी दुआ कर सकते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे स्वभाव पर ऐसा कब्जा कर ले कि क्रोध हट जाए, मेरे अंदर से असंयम की आत्मा हट जाए, मेरे अंदर से भय का आत्मा हट जाए, और मैं किससे भरपूर हो जाऊं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रार्थना करते करते एक बात और मैं आपको बोल देता हूं, वरदान की होड़ में आप मत रहिए, वरदान के पीछे आप मत दौड़िए। प्लीज, आत्मा के वरदानों के विषय में कल रात को अपन सीखने जा रहे हैं, और अद्भुत गहराई में आज रात के समान परमेश्वर हमको कल भी लेकर जाएगा। और फिर परसों रात को हमने, हालांकि शनिवार रात तक की इस मीटिंग्स को आयोजित किया था, एडवर्टाइज किया था आप लोगों के लिए, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से आखिरी रात को, कल रात से हम शुरू करेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए कल रात, और फिर परसों रात भी अपन प्रार्थना भी करेंगे और सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूं, वरदान के पीछे मत दौड़। मुझे गाना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे बीमारों को चंगा करना है, मुझे एक को मैं मिला वो बोला मेरे को इवेंजलिस्ट बनना है, तो मैंने बोला कितनी अच्छी बात है, सुसमाचार सुनाओ ना, तो बोला नहीं एक दो को नहीं, मैं बड़ी भीड़ में सुनाना चाहता हूँ, जहां पर 5-10 हजार लोग हो वहां पर सुनाना चाहता हूं। दीदी भैया अंकल, आप एक जन को प्रभु के बारे में नहीं बोल पा रहे तो 5-10 हजार को क्या बोलोगे? इसलिए वरदान को एक बार एक तरफ रख दो, आज रात को प्रभु से बोलो। और ये सीक्वेंस भी आप समझना, प्रभु ने हमको ये सीक्वेंस दिया, कहीं से निकाला हुआ ऐसा नहीं, लेकिन हमने सबसे पहले प्रभु पवित्र आत्मा के विषय में सीखा, उसकी पर्सनालिटी के विषय हमने फर्स्ट नाइट को सीखा, उसकी ईश्वरत्व के विषय में हमने सीखा, फिर उसके पश्चात उसके विभिन्न चिन्ह या सिंबल्स के विषय में हमने फर्स्ट नाइट को सीखा। सेकेंड रात को हमने क्या सीखा है? पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य क्या है या उसका रोल क्या है, क्या क्या उसने किया, उसके विषय में हमने दूसरी रात को सीखा। तीसरी रात को यानी कि कल हमने सीखा पवित्र आत्मा के कार्य कलीसिया के अंदर और विश्वासियों में क्या क्या कार्य है, कल रात को हमने सीखा। और आज रात को हमने क्या सीखा? चरित्र। होली स्पिरिट बोलते ही लोग हिलने लगते हैं। मैं हिलने के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो खूब हिलता हूं, मैं पहले बोल देता हूं, है ना। और मैं एक चीज और, लीडर गिर भी जाते हैं। और मैं तो ये भी बोल देता हूं, मैं गिरने के भी खिलाफ नहीं, लेकिन सवाल ये है गिरने के बाद जब उठोगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो गिरने से भी क्या फायदा। समझ रहे हैं आप इस बात? तो वरदान के पीछे नहीं, आपको चरित्र निर्माण, पवित्र आत्मा के हाथ में आपका चरित्र दे दो। आप अपने आप को 100 में से 95 देते होंगे आपके चरित्र के मामले में, और पति पत्नी के मामले में तो आप ही जीत रहे हो, जो देख रहे हो आप भी जीत रहे हो, क्योंकि आपके चरित्र के जैसा आपके स्पाउस का है ही नहीं, हमेशा आप ही टॉप पर रहते हो और सामने वाले हमेशा गलती करते हैं, ये तो अपनी धारणा है। लेकिन आज रात को पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा पारिवारिक जीवन के अंदर। और एक और चीज मैं बोलूं, ये सारी चीजें केवल मिनिस्ट्री में या दूसरों के मध्य नहीं, गुप्त में प्रकट होनी चाहिए। ये सारा स्वभाव पवित्र आत्मा नियंत्रित स्वभाव पुलपिट पे या पब्लिक मिनिस्ट्री में या बाहर निकल कर नहीं, अंदर। जब आप रात के समय घर का दरवाजा बंद करें तब ये स्वभाव दिन भर आप में से छलकता रहना चाहिए, आपके द्वारा दूसरों को दिखता रहना चाहिए। ये चुनौती है, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में अपन बात करेंगे कल रात को। आपको ये सीखना अनिवार्य है। प्लीज, आप किस चर्च में जाते हैं, आपका ट्रेडिशन क्या है, आपने आज तक क्या सुना। और एक और चीज मैं आपको प्रेम से मैं सौंप देता हूं, हर चीज जो इंटरनेट पर आप सुन रहे हैं आप उस पर विश्वास ना करें। प्लीज, आप प्रभु के वचन को पढ़िए। मैं सबसे प्रेम करता हूं और मैं किसी को खंडित होते हुए भी देखना नहीं चाहता हूं, उसके भलाई भी है, बुराई भी है, प्लस भी है, माइनस भी। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, सच्चाई आपको ढूंढना पड़ेगा। बीरिया के शहर के विश्वासियों के समान जिन्होंने सुने हुए वचन को परखा और ढूंढा लिखा है, आपको और मेरे को सीखना है, हमको चरित्र के पीछे चलना है। और प्रियो, ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये चरित्र आपको मालूम है अपने आप को संवारते संवारते कितने साल निकल गए, अपने आप को प्रभु के जैसा वो करने का प्रयास भी कितना मुश्किल है।
लेकिन आज रात को पवित्र आत्मा आपके मित्र के समान खड़ा है और आपके अंदर आत्मा का फल प्रेम वो डालना चाहता है, और उसके बाद आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर डालना चाहता है, ताकि प्रमुख फल आत्मा का आपके अंदर विकसित होने पाए। आइए अपन प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। चलिए मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। हम आत्मा का फल प्रेम और उसके बाकी प्रकटीकरण हमारे अंदर प्रभु जी, सबसे पहले पॉल मैथ्यूस के अंदर, उसके बाद पास्टर जसवंत के अंदर, और उसके बाद हमारे सुनने वालों के अंदर। पवित्र आत्मा हम अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु। कई बार हम दूसरों को सह नहीं पाते, कई बार हम दूसरों को टॉलरेट नहीं कर पाते, कई बार हम दूसरों की खुशी में आनंदित होने नहीं पाते प्रभु। आज रात को पवित्र आत्मा हम समर्पित करते हुए कहते हैं, हमारे अंदर प्रेम डालिए, हमारे अंदर अगापे प्रेम डालिए, ओ प्रभु दुख उठाकर भी प्रेम करने वाला मन डालिए प्रभु जी। अपने सताने वालों से तू निरंतर प्रेम करता रहा, और प्रेम की पराकाष्ठा तूने सलीब पर यह दिखाई कि तूने अपने सताने और मारने वालों को क्षमा कर दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो आनंद, वो शांति प्रभु, वो धीरज, वो कृपा, वो भलाई हमारे अंदर से निरंतर 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 बढ़ती रहे, बढ़ती रहे यीशु के अद्भुत नाम से प्रभु जी। इसके विपरीत यदि किसी के अंदर स्वभाव है आज रात को, इसके विरुद्ध में वचन के खिलाफ यदि किसी के अंदर स्वभाव है, आत्मा में आकर बोले गए वचन के आधार पर यीशु नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। तेरी महिमा प्रभु उनके अंदर से, उनके चरित्र के द्वारा प्रकट होने पाए। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ढोंग यदि विश्वास का ढोंग यदि है, यदि सेवा का ढोंग है प्रभु, तू गुप्त में उनको निखार प्रभु, तू गुप्त में उनको तोड़, ताकि प्रकट में जब वो आएंगे तेरी महिमा करते हुए, तेरे गीतों को गाते हुए, तेरी प्रशंसा करते हुए आएंगे प्रभु जी। प्रार्थना करते हमारे अंदर विश्वास कमजोर ना होने पाए, हमारे अंदर विश्वास पिस्तिस जो यूनानी भाषा में है हमारा कमजोर ना होने पाए, हम नम्र पाए जाए प्रभु जी, कटु परिस्थितियों में हम नम्र और संयम पाए जाए प्रभु। नासरी यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपके हाथ में हम अपने आप को देते हैं, हमारे सुनने वालों को हम देते हैं आज रात को प्रभु जी, फल के लिए प्रभु। हाँ, हम चाहते हैं फल, हम प्रभु इसको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और जैसे पहला पत्रस में लिखा है प्रभु, यह फल निरंतर हमारे अंदर बढ़ते चले जाए, इसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 एक बार और धन्यवाद पवित्र आत्मा बोलिए। कॉन्शियस हो जाइए, कॉन्शियस अपने आप को याद दिलाइए कि मैं पवित्र आत्मा की हुजूरी में हूं। आप बैठे हैं, आप लेटे हुए हैं, आप टेबल पर हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप पवित्र आत्मा को हाजिर जानकर ओह हालेलुया, हालेलुया, उसके चरणों पर गिरिए, उसको बोलिए थैंक यू, आई नीड अ कैरेक्टर रिफॉर्मेशन, मुझे एक चरित्र पुनः स्थापना की, कठोर हृदय हटाकर एक मास्क हृदय में उन्हें दूंगा प्रभु। पवित्र आत्मा तेरे लिए लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर प्रभु, वो हमें दे प्रभु जी, हमारे सुनने वालों को दे। यीशु नासरी के नाम से कलीसिया के सेवक जितने आज इस प्रेयर लाइन में जुड़े हुए और बाद में इस वचन को सुनेंगे, उनके अंदर, हमारे अंदर प्रभु ईश्वरीय चरित्र, यीशु का स्वभाव, जैसे फिलिप्पियों की लिखी पत्र दूसरे अध्याय में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी होना पाए, तुम्हारा भी होने पाए। मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे सोचने देखने में, मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बोलने करने में, मेरे सोचने देखने में, मेरे अंदर तू प्रभु आज शुद्ध मन उत्पन्न कर, उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। यीशुआ, 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 मुझे यीशु के जैसा बना, आत्मा आत्मा आत्मा
हमें यीशु के जैसा बना। एक बार और गाइए, आत्मा आत्मा मुझे यीशु के जैसा बना। एक बार और, आत्मा आत्मा मुझे यीशु के जैसा बना। यीशु का चरित्र आपका चरित्र बनने लग जाए तो वरदान नौ नहीं और जितने वरदान पवित्र आत्मा के पास है, जो कल रात को हम सीखेंगे, आपके जीवन से निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस लाइन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु के आगमन में देरी हुई तो इसको हम यूट्यूब में चढ़ाएंगे, बाद में हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आप प्रार्थना करिए। कल रात और परसों रात, दो रात और सेशंस के हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तेरे लोगों को आनंद के साथ हम विदा करते हैं, तेरे लोगों को शांति के साथ, धीरज के साथ, कृपा के साथ, भलाई के साथ, विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ और अगापे प्रेम के साथ विदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे।